Hello students, how are you all? Hope you are all fine and healthy. Today we are starting off chapter 14. Chapter 14 is related to again the previous chapter, that is 13 chapter, about the location, geological structure and physiography of India. Now this time we are talking about the physiography of India. What are all the contents of the physiography of India? So it is clearly said that the landform which is irregular and has some altitude on the surface of the earth is called the physiography. Yahan pe mountains, plateaus, plains, ye sab kuch included hai. तो फिजियोग्राफी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो फाइव पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी फिजियोग्राफी. नदन माउंटेनियस रीजन, ग्रेट नदन प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेटू, कोस्टल प्लेन एंड आर्किपेलागोस. यू कैन सी अ मैप हियर वेयर दीज डिफरेंट थिंग्स आर मेंशनड. यू कैन सी द माउंटेन रेंजेस, हाइट्स आर गिवन टू यू अबाउट 1200, 600. दिस इज द डिस्टेंस गिवन टू यू. सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नदन माउंटेनियस रीजन, तो हमारा जो ग्रेट हिमालयन सिस्टम है, माउंटेन रेंजेस है, उसे हिमालयन माउंटेन सिस्टम कहा जाता है, जो कि 2400 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है. उसका शेप जो है वो आर्क के शेप का है. विड्थ ये जो रेंजेस की है वो ज़्यादातर 240 से 320 किलोमीटर्स तक की है. हिमालय एक सिंगल सिस्टम नहीं है, सिंगल माउंटेन नहीं है, बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरियस माउंटेन रेंजेस गोइंग फ्रॉम ईस्ट गोइंग टू ईस्ट फ्रॉम द अफगानिस्तान म्यांमार तक एक्सटेंड होता है. सो यहाँ पे टिबेट में ज़्यादा स्पैन है इसका. इट इज़ अ पार्ट ऑफ माउंटेन सिस्टम नोन एज पामिर नोट. सो हिमालयाज इन टोटल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ नदन हिमालयन रेंजेस एंड ईस्टर्न हिमालयन रेंजेस. तो जो नदन हिमालयन रेंजेस है वो अगेन तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है कि ग्रेटर हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज एंड द शिवालिक रेंजेस. ग्रेटर हिमालयस की अगर हम बात करें तो वो ऊंचे पहाड़ हैं जो जिनकी हाइट 7000 मीटर से ज़्यादा होती है. यहाँ पे 40 से ज़्यादा पीक्स इंक्लूडेड हैं. माउंट एवरेस्ट इसमें सबसे ऊंचा है, 8848 मीटर. इट इज़ ऑन नेपाल चाइना बॉर्डर. अदर इम्पॉर्टेंट और अदर फेमस पीक इज़ गॉडविन ऑस्टिन और के स्क्वायर, 8611 मीटर. सो ये ग्रेटर हिमालयस की बात हो गई. ग्रेटर हिमालयस में कुछ माउंटेन पासिस भी हैं, जैसे कि जलपला, राथुला, शिपकिला और मानसरोवर, जो कि खोली प्लेस माना जाता है, वो चाइना में लोकेटेड है. सेकेंड रेंज की अगर बात करें, दैट इज़ सेंट्रल हिमालय और द लेसर हिमालय. यहाँ पे जो विड्थ है वो 80 to 100 किलोमीटर रहती है. यहाँ पे हिल स्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि डलहौजी, धर्मशाला एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन हैं. थर्ड रेंज जो कि शिवालिक रेंज भी माना जाता है और आउटर हिमालय भी कहा जाता है उन्हें, वो ज़्यादातर इंडिया में ही हैं और 10 से 15 किलोमीटर तक की उनकी विड्थ है और एवरेज हाइट जो रहती है यहाँ पे वो 1000 मीटर्स तक की रहती है. यहाँ पे वेली फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा हुआ है, जिसमें के ग्रेवल, स्टोन्स, थिक सेडिमेंट, ये सब कुछ इंक्लूडेड है, जिसे दुन कहा जाता है. और इसीलिए वहाँ के जो लोकल नाम हैं, जो सिटीज़ के, जैसे कि देहरादून, पाटलिदून, ये सारे नाम पड़ते हैं. ईस्टर्न हिमालयस की अगर बात की जाए तो जो रेंजेस ईस्ट पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस में पड़ते हैं उनकी हाइट बहुत कम रहती है. उन्हें उनका कुछ पार्ट जो है उसे हिल्स की तरह भी जाना जाता है. तो उसमें से कुछ हिल्स जो हैं, पटकाई हिल्स अरुणाचल प्रदेश में है, नागा हिल नागालैंड में है, लुशाई मिजोरम में है. ईस्टर्न बॉर्डर पे वो अराकन योमा रेंज ऑफ म्यांमार, गारो खाशी जयंतिया हिल्स इन मेघालय. यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए डेंस फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलप हो गए हैं. फॉरेस्टेड एरिया है, इसलिए रोड और रेलवे इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं. तो ये तो हमारा हो गया नदन हिमालयस या फिर नदन माउंटेन सिस्टम. ग्रेट नदन प्लेन की अगर बात करें तो यही नदन माउंटेनियस रीजन से एलुवियल सेडिमेंट लेते हुए कई सारी नदियाँ बहकर आती हैं, जैसे कि सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र. कुछ जगहों पर यहाँ पे जो सेडिमेंट है वो 50 मीटर्स तक थिक होता है और नॉर्थ इंडिया को ज़्यादातर पार्ट जो है वो नॉर्थ में पड़ता है, इसीलिए नदन प्लेन्स की तरह इसे जाना जाता है. ये प्लेन अगेन 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है. लार्जेस्ट रिवर प्लेन है वर्ल्ड का. इट्स वेस्टर्न पार्ट है इज़ वेरी मच नैरोअर एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न पार्ट. लेवल लैंड पे है ज़्यादातर. नन ऑफ इट्स पार्ट इज़ हायर दैन 180 मीटर्स ऑफ द सी लेवल. दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पे नैरो है ये प्लेन. सतलुज प्लेन लाइज टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली, गंगा इन द ईस्ट. दिस प्लेन इज़ कंसिडर टू बी वेरी मच फर्टाइल बिकॉज ऑफ द एलुवियल सेडिमेंट देयर इट इज़ देयर. और बहुत सारी सिटीज़ यहाँ पे डेवलप हुई हैं इस नदी की, इन नदियों के किनारे, जैसे कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी एट्सेट्रा. सिंधु रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ये सारी ओरिजिनेट करते हैं हिमालय से.
जनरली जो दो नदियों के बीच का रीजन रहता है उसे दो आप कहते हैं, और इसीलिए पंजाब का नाम पंज आप पड़ा क्योंकि पांच रिवर का प्लेन वहाँ पे फॉर्म हुआ है। फिजियोग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्लेन को चार हिस्से में डिवाइड किया गया है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो ये अलग अलग नाम हैं इस प्लेन के, जिसके साथ ही ये प्लेन जो है वो और ज़्यादा फर्टाइल है और बहुत मदद करता है हमारे डेवलपमेंट में, हमारे प्रोग्रेस में इंडिया के एज अ होल। द रेस्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।